सीधा करो सीधा तस्वीर को तस्वीर के बेगूसराय कांग्रेस प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन। बेगूसराय में गुरुवार के दिन प्रमुख कांग्रेस जनों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन बेगूसराय समरणालय स्थित कैंटीन चौक पर किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग, संसद भवन में कांग्रेसी नेताओं एवं विपक्षी नेताओं को बोलने पर पाबंदी, देश के स्वतंत्र एजेंसियों पर अंकुश, भारत देश में अंग्रेज शासन काल का याद दिलाता है। राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा मुकदमा करने एवं कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने, देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर यह पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुतला दहन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कैंटीन चौक तक। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सम्मानित नेता अभय कुमार सिंह सार्जन ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और रोजगार पर पूर्ण रूपेण विफल है, जिसका कारण है कि अभी की जो सरकार है वह मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों को हर हमेशा गंभीर मुद्दों से भटकाने का काम करता है और विरोधी दल के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करती है। देश आज भयंकर महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। पुतला दहन कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस कमेटी, नगर निगम बेगूसराय के अध्यक्ष पूर्व पार्षद ब्रजेश कुमार प्रिंस ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी गुंडागर्दी बंद करो, नरेंद्र मोदी गुंडागर्दी बंद करो, क्या वजह? हमारे नेता राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, परेशान किया दिया जाता है, उनको झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। इसीलिए हम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं नगर कांग्रेस के द्वारा। मतलब बोलने नहीं दिया जाता है कि बोलने की इच्छा नहीं प्रकट करते? बोलने की इच्छा, बोलने दिया ही नहीं जाता है। लोकतंत्र को गला घोटा जा रहा है मोदी जी के द्वारा। अगर सर नेम पर राहुल गांधी पर केस हुआ है, हम लोग 100 बार कांग्रेसी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी चोर कह रहे हैं, हम लोगों पर FIR हो, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है आपका, पुतला दहन भी किए, क्या कहाँ से निकल के कहाँ तक आए? हम लोग अभी गांधी आश्रम से निकल कर यहाँ पर आए हैं। मेन मकसद है कि राहुल गांधी जी को, युवक के साथ गला घोटा जा रहा है, किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, सभी सेना के साथ अत्याचार हो रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री गैस तो रोज दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उस पर उनका कोई अथी नहीं है, सिर्फ उनके माथा में घुसा हुआ है राहुल गांधी और गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। एक परिवार को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, वो परिवार हम लोग कांग्रेसी का नेता है, देश का वो नेता है। सर आज बिहार बंदी भी नेता है जो सत्ता पक्ष के विरोध में हैं, उन सबको ईडी सीबीआई के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ना झेलने के बाद जब कुछ नेता उनके पास चले जाते हैं तो एकदम वो गंगा जल के धुल जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं, जो उनके विरोध में आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको तंग और तबाह किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा मुकदमा करना, जनता के बीच में उनको बदनाम करना, यही काम केंद्र सरकार का रह गया है। महंगाई पर उनका कोई अंकुश नहीं है, रोजगार पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपने विरोधी नेताओं को तंग करना, यही केंद्र सरकार का नियम बन चुका है, और देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। आज बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में जिला पार्टी के सम्मानित नेताओं और कांग्रेस जनों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया, और यह कहा गया है इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से कि विरोधियों को
तंग करना बंद कीजिए, महंगाई पर अंकुश लगाइए, रोजगार लाइए और विरोधी दल के नेताओं को सम्मान देने का काम करें। और नरेंद्र मोदी जी का जो कुकृत्य है, आज जितने भी लोनी हैं भारत के बड़े बड़े, वो सब मोदी जी के शासनकाल में देश छोड़कर भाग गए। क्या वो किसी गांव में गए? वो भाग करके चले गए विदेश और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए इस निरंकुश सरकार के खिलाफ आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस जनों के द्वारा किया गया।